वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं 68,500 पुनर्मूल्यांकन रिजल्ट में जो लगभग 4700 नए अभ्यर्थी पास हुए हैं, नए भावी शिक्षक पास हुए हैं, उनके लिए प्रारूप क्या होगा, यानी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कब से उनको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद क्या प्रक्रिया होगी, उसमें काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट DD कितने के लिए जानी है, यदि किसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो है चेंज हो गया है, जिन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती में परीक्षा में अपना मोबाइल नंबर फीड कराया होगा, दिया होगा, और वो उनके पास नंबर नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो वो फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो यानी कि आपकी A to Z जितने भी डाउट हैं वो सारे इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और इसके पहले भी मैंने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था मंगलवार को, उस दिन मैंने आशा जताई हुई थी कि शायद आज जो है इसका टाइम टेबल यानी नोटिफिकेशन, आपकी विज्ञप्ति जो है आ जाए कि कब से फॉर्म भराए जाएंगे, लेकिन मंगलवार को नहीं आया हुआ था और आज दिन बृहस्पतिवार है और आप लोगों का जो है जियो जो था वो फाइनली आ चुका हुआ, आप सभी लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आज वीडियो को देख कर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ और देख लीजिए, ये लेटर जो है ये 28/2/2019 का है, यानी आज का लेटर है ये, और इसका है ये PNP द्वारा है और विशेष सचिव के द्वारा जारी किया गया हुआ है। और इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डेट जो इसका दिया हुआ है कि कब कब क्या करना है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, विज्ञप्ति प्रकाशन 28/2/2019, यानी आज जो है विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका हुआ है। और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारंभ होने की तिथि, यानी जो नए कैंडिडेट पास हुए हैं पुनर्मूल्यांकन में वो अपना जो है आवेदन, देखिए मोस्टली आवेदन आपका भरा रहेगा लगभग 50-60%, आपको कुछ चीज़ें उसमें नई भरनी रहेंगी, जैसे आपको 75 जनपदों का जिला वरीयता क्रम भरना रहेगा कि कौन सा जिला आप फर्स्ट पे लेते हैं, सेकंड पे कौन सा लेते हैं, थर्ड पे लेते हैं, कुछ और बेसिक डिटेल्स उसमें आपको भरनी होगी। बाकी आपने 68,500 फॉर्म जो परीक्षा हुई थी उसके फॉर्म भरते समय जो आपने डिटेल्स दिए थे, लगभग सारे डिटेल्स आपको वही रहेंगे, बस कुछ ही डिटेल्स आपको उसमें भरने रहेंगे। तो ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल 1 मार्च हो जाएगा, आज 28 फरवरी है, कल से फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इन्होंने टाइम दिया जो है 12 बजे, यानी दोपहर 12 बजे से ये फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। इसकी वेबसाइट क्या है, कहाँ से फॉर्म भरेंगे, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और अभी मैं आपको बता भी दूंगा। और ये फॉर्म कब तक आप भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 5 मार्च 2019 यानी और प्रातः 10 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 1 मार्च से स्टार्ट होगा 12 बजे दोपहर से फॉर्म भरना और 5 मार्च 2019 प्रातः 10 बजे यानी सुबह तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। इजिली भर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें नहीं है। हाँ, जब कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो साइट में प्रॉब्लम होती है और काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और आवेदन उपरांत डाटा प्रोसेसिंग कर सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना है, ये आपका मतलब नहीं है, ये PNP जो है आगे परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएगी और NIC मतलब उपलब्ध कराएगी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और जनपदों में काउंसलिंग के आयोजन, नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें जनपदों में काउंसलिंग यानी किस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और जिस जनपद में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपकी नियुक्ति उसी जनपद में होगी, अभी ध्यान रखिएगा। तो काउंसलिंग जो है 7 मार्च 2019 से 8 मार्च 2019 के बीच में चलेगी और इसी बीच में आपको जो है अलाटमेंट लेटर यानी आपका नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत विशेष आप सभी लोगों को जो नए भावी शिक्षक पास हुए हैं। और उसके बाद यदि आप काउंसलिंग में मतलब जो पास हुए हैं वो तो काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे उनको जनपद भी आवंटित किया जाएगा। तो जब आपका जनपद 7 मार्च को आपको जिस जगह काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो आप क्या क्या लेके जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, तो इस वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी हुई है और इसमें जो है फीस की अगर हम बात कर लें तो देखिए, फीस जो है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा यानी DD बनेगा, जिसे बैंक ड्राफ्ट भी आप कह सकते हैं। और ये बैंक ड्राफ्ट जो है सामान्य और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये हैं, यानी जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। और SC ST वालों के लिए जो है कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 200 रुपये का ड्राफ्ट बनेगा। और ये ड्राफ्ट किसके नाम पर बनेगा और इसको बताने से पहले मैं भी बता दूं कि विकलांग के लिए जो है उनका चार्ज कोई भी नहीं लगेगा, यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसमें जनरल OBC SC ST के लिए चार्ज की बात कही गई हुई है। और ये बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा
ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आपका बैंक ड्राफ्ट जो है बनेगा। आप यही जब बैंक ड्राफ्ट बैंक में जाइएगा तो सेम यही चीज़ चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और इसी के नाम से आप अपना जो है बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। और बैंक ड्राफ्ट बनवाने के बाद आपको और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ले जाएंगी, अपने आप समस्त डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और 4 फोटो लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। और ये तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जो है मोबाइल नंबर अब चेंज हो गया है, उन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे, अब यदि उनका मोबाइल नंबर बदल गया है, दूसरा हो गया है, तो आप जो है ये काम जल्द से जल्द कर लीजिए। 1 मार्च से लेकर 2 मार्च के बीच में जो है आप इस वेबसाइट पर जा कर के, यानी जो ये वेबसाइट दी हुआ है upbasicedubord.gov.in, वहाँ पर एक फॉर्मेट है और मैं प्रयास करूँगा वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा, और आप खुद जाके भी उस वेबसाइट पे वो फॉर्मेट ले सकते हैं और उस फॉर्मेट पे जो है सूचना आप भर करके, हार्ड कॉपी उसका प्रिंटआउट निकलवा करके सूचना भर करके आप जो है परिषद मुख्यालय प्रयागराज यानी आप इलाहाबाद जा करके जो परिषद का मुख्यालय PNP का, वहाँ पर जो है उस फॉर्मेट में आपको दिया होगा क्या क्या चीज़ भरना है, कि किस मतलब मेरा नंबर पहले ये था मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर मेरा चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ सूचना उसमें अंकित करके आप ले जाके वहाँ पर प्रयागराज जो इसका मुख्यालय है परिषद का, वहाँ पर जाके ये फॉर्म जमा कर दीजिए और वहाँ से आपका मोबाइल नंबर जो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के, पुराने मोबाइल नंबर के या फिर नया मोबाइल नंबर जो अपडेट करा रहे हैं उसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप अपना नाम और रोल नंबर या जो 68,500 का था और मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ से आपको उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो 1 माह से आपका फॉर्म भराया जाएगा। जब OTP आप वहाँ मेंशन कर देंगे सही से तब जाके फॉर्म पूरा प्रारूप खुलेगा, इसलिए यदि आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो प्लीज़ जा करके ये काम ज़रूर करवा लीजिए, ठीक है ना। और काउंसलिंग के टाइम जो है आप अपना DD तो ले ही जाएंगे, साथ ही साथ जो है अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेख यानी जितने भी आपके समस्त शैक्षिक डॉक्यूमेंट हैं और भी जो भी आपके पास डिग्री है, मार्कशीट है इससे संबंधित, उसकी आप 2 सेट जो है स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी उसकी 2 सेट आप फोटोकॉपी करवा लीजिए। 2 सेट क्या करवा लीजिए, आप कम से कम 5 सेट फोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत काम लगने वाला है, BRC पे जमा होगा, BSA ऑफिस में जमा होगा, ठीक है ना। तो आप 5-6 सेट लगभग करवा लीजिए, हालांकि काउंसलिंग में आपको सिर्फ 2 सेट लेकर जाना है और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी ले जाने हैं आपको, और साथ ही साथ आपको जो है इसके नाम से जो DD बनेगी उसको ले जाना है, ठीक है ना। आगे जो भी प्रक्रिया होगी मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल यही है कि यदि आपका मोबाइल नंबर बदला है तो आप जो है जो डेट मैंने बताई है 1 मार्च से लेकर 2 मार्च के बीच में आप जाकर जो परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है वहाँ जाकर इसको अपने नंबर को अपडेट करा लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। साथ ही साथ आप जो है अपने जो भी मतलब डॉक्यूमेंट थे और DD वगैरह जो बनवानी हो बनवा लीजिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट पास हैं श्योर सर्टेन उनका काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग होगी उनको फाइनल अलाटमेंट लेटर भी दिया जाएगा अगर उनमें कुछ मतलब फॉल्ट नहीं आती है तो सारी चीज़ें आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 7 से 8 मार्च में आपको नियुक्ति लेटर भी मिल जाएगा, तो ये सारी प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ एक आप लोगों को मैं नोटिस और देना चाहता हूँ कि आज से आप लोगों के CTET की क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो CTET की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।